गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए कुछ क्वेश्चन करिए। A tree is broken by the wind. Its top struck the ground at an angle thirty degree at a distance of 30 meter from its foot. The whole height of the tree is 5 feet. वॉइस नॉट कमिंग बेटा, वन रिफ्रेश करो। कृपया करके आप रिफ्रेश करिए। क्वेश्चन कह रहा है, वॉइस आप लोगों को आ रही है? बाकी बच्चों को आ रही है? दीक्षा सबको आ रही है? कह रहा है ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। एक पेड़ है जो विंड के द्वारा ब्रोक किया गया है, ठीक है, टूट गया है हवा से। स्टॉप स्टक द ग्राउंड एट एन एंगल 30 डिग्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। जो उसका टॉप वाला हिस्सा है वो ग्राउंड में जाके गिरा है, ठीक है। थर्टी मीटर द होल हाइट ऑफ द ट्री बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ऐसा कुछ ट्री है, हवा आई यहां से टूट गया। अब ये टूटा वाला हिस्सा यहां पे लड़ गया, ये टूटा वाला हिस्सा यहां पे जमीन पे गिर गया, और ये क्या कर रहा है, फूट से 30 मीटर की दूरी पे है, और कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो ये होल हाइट बना बतानी है। यहां से यहां तक की जो हाइट है वो बतानी है। ठीक है, चलो जल्दी करो। ठीक है बेटा, बताओ जल्दी।
तो बेटा 30 मीटर की डिस्टेंस पे जा करके वो गिरा है, और ये कितना बनाया देखो, पहले ये है आपको पूरी हाइट कितनी है, एसी पूरी हाइट कितनी है हमारी, एसी है। तो अगर ये पूरी हाइट एसी लेंगे तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ए बी के बराबर हो जाएगी। भाई बी बी किसके बराबर है, ए बी के बराबर, क्योंकि यही टुकड़ा तो जाकर के ग्राउंड पे गिरा है, यही टुकड़ा तो जाकर ग्राउंड पे गिरा है, तो ए बी किसके बराबर है, डीबी के बराबर, ठीक है। तो पूरी हाइट बतानी है तो पहले इतना निकाल लो, बीसी निकाल लो पहले। अगर हम बीसी निकाल लें और ये बीबी निकाल लें तो हमारा हाइट पूरी मिल गया। ये हाइट क्या है, एच हमारी क्या है, एच बताओ क्या है, बीसी प्लस डीबी, यही है। अब बीसी निकालने के लिए बताओ बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, टेन थर्टी डिग्री लेवल, टेन थर्टी डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और BD के लिए मान लो बेस पता है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, cos 30 डिग्री लगा लो, cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज BD, cos 30 डिग्री रूट 3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा रूट थ्री से काटेंगे तो 60 है ना, 60 को ले सकते थ्री इंटू 20 अपॉन रूट थ्रू रूट थ्री, कैंसिल आउट करें रूट थ्री पे मेरा 20 रूट थ्री आ गया, ठीक है। तो हमको डीबी आ गया 20 रूट थ्री और बीसी आ गया 10 रूट थ्री, तो बताओ हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट जो कि बीसी प्लस डीबी थी, तो बीसी हमारी कितनी है देख लो, बीसी हमारा आ गया है 10 रूट थ्री और डी बी हमारा आ गया 20 रूट थ्री, तो 30 रूट थ्री आ गया हमारा, यही आंसर। समझ में आ गया, चलिए नोट डाउन करिए। क्लियर करें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज ए क्रॉस ए रिवर, the angle of depression of the bank of the banks
ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली. If the bridge is at a height of 3 meter, from the banks, then the width of the river is बोलिए. बेटा ब्रिज पे खड़े हैं ध्यान रखना, और रिवर के बीच में ब्रिज है. जैसे रिवर है, ये मान लो ये रिवर आ रही है, ब्रिज इसको जोड़ रहा है, यहां पे कहीं खड़े हैं और इसके दोनों किनारों का एंगल ऑफ डिप्रेशन बता रहा है इसके रिस्पेक्ट, हॉरिजॉन्टल एंगल रिस्पेक्ट में. ये ध्यान रखिएगा. हुआ? देखो क्या कह रहा है, ये रिवर के किनारे हैं और ये ब्रिज के ऊपर कहीं हम खड़े हैं. ठीक है, अच्छा देखते हैं जी, देखता वेरी गुड, चेक करते हैं. कह रहा है यहां से दोनों किनारे पे अगर देखते हैं, ये और ये दोनों किनारे पे, ब्रिज के दोनों किनारे मतलब नदी के दोनों किनारे पे यहाँ पे खड़े होकर के देखते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. तो कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है. हेलो, उसके भी कुछ क्वेश्चन
बेटा वो कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है सबको? कनेक्शन लॉस्ट हो गया था मेरा, सुनाई दे रहा है कि नहीं? चलिए ये 30 डिग्री ओके हो गई, 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, ये किनारा है बैंक, वो नदी का किनारा है, मान लो ए और बी, ये नदी के दो किनारे हैं। यहाँ पे ब्रिज पे खड़े होकर के कोई आदमी देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, बिकॉज दिस इज द दो बी ए बी लाइन इसके पैरेलल है, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, ब्रिज क्या है ये 3 मीटर हाइट पे है, then find the width of the river, हमको river की width बतानी है, मतलब width of river कितना हो जाएगा, AD plus BD, ठीक है, AD plus हो जाएगा, BD हो जाएगा। अब आप सोचिए हमको AD कैसे निकालना है, perpendicular पता है, base चाहिए, तो AD निकालने के लिए हम tan 30 degree लगा सकते हैं, वो क्या हो जाएगा CD upon AD 1/√3 इक्वल टू CD कितना है 3 अपॉन AD कितना है AD, तो AD आ गया हमारा 3√3 मीटर, ठीक है। उसी तरीके से tan 45 डिग्री CD upon BD, CD कितना है 3 और BD कितना है, BD कर दें, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है तो यहां से BD इक्वल टू कितना आ गया 3 मीटर। तो ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी AB, जो हमको जानेंगे विथ ऑफ द रिवर निकालना है, AD प्लस BD, AD कितना है 3√3 प्लस 3 मतलब 3√3 प्लस 1 मीटर, वेरी गुड। किसका किसका सही आया, हर्षित वेरी गुड, दीक्षा तुम्हारा भी सही है, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। नोट करिए, अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं उसको लगाइए, एक सेकंड बेटा रुकिएगा। एक मिनट, चलिए इसको बढ़िया A 1.6 meter tall galley stands at a distance of 3.2 meter from the lamp post.
नैप से कितनी दूरी पे है, 3.2 मीटर की दूरी पे, एंड कास्ट ए शैडो ऑफ 4.8 मीटर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे 4.8 मीटर की एक शैडो बनाती है। फाइंड द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट बाय यूजिंग, हाइट निकालनी है लैंप पोस्ट की, क्या यूज करके, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके। हुआ सब क्वेश्चन समझ में आया क्या हुआ? क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, जो कह रहा बेटा आप ध्यान से देखो, 1.6 मीटर टॉल गर्ल्स, ये एक लड़की है जो 1.6 मीटर की है, ये समझ, ये एक लैंप पोस्ट से 3.2 मीटर की दूरी पे खड़ी है, एक लैंप पोस्ट है पीक्यू, पीक्यू क्या है, लैंप पोस्ट, ये भी एक गर्ल है, ये 3.2 मीटर की दूरी पे खड़ी है। अब लैंप पोस्ट के कारण इसकी ये यहां से है तो इसकी कुछ परछाई बनेगी, शैडो बनेगी, बीसी क्या है, शैडो। अब वो कितनी मीटर की है, 4.8 मीटर की शैडो है। अब हमको लैंप पोस्ट की हाइट बतानी है, ये पूरी हाइट पीक्यू बतानी है, हमको पीक्यू बतानी है कितनी होगी। अच्छा ये 1.6 मीटर है तो ये भी तो पता है 1.6 मीटर ये हो जाएगी। हम इसको अगर h मान लें तो एक तरीके से हमको क्या बताना है, h प्लस 1.6 बताना है, h निकाल लेंगे उसमें 1.6 ऐड कर देंगे तो हाइट आ जाएगी। अब सोचो h कैसे निकालोगे, आगे आप लोग को सोच लीजिए,
हो गया। अच्छा ऐसे सोचो, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से निकालें तो सोचो ऐसे कैसे निकालेंगे, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये दोनों लाइनें क्योंकि पैरेलल हैं ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर यहां से ये 3.2 मीटर है तो ये भी 3.2 मीटर आएगा। तो ये सोचो ये टेन थीटा और टेन थीटा ये बराबर होगा, यहां से टेन थीटा क्या लिख सकते हो, ए बी अपॉन बी सी। ये वाले में टेन थीटा क्या लिख सकते हो, पीई अपॉन ए। ए बी पता है 1.6, बी सी पता है 4.8, पीई पता है हमारा एच निकालना है, ए पता है 3.2। यहां से एच कितना आ गया, थ्री पॉइंट टू अपॉन थ्री मीटर। मतलब ये भी कह सकते हो 32/30, 16/15 मीटर। ये तो एच आ गया, ये तो एच आया ना, लेकिन लैंप पोस्ट की लंबाई कितनी है, पी क्यू। एच प्लस 1.6, एच की वैल्यू कितनी है 16/15 प्लस 10 हो जाएगा ना, 8/3 मीटर, 8/3 मीटर। तो ये हाइट आ गई लैंप पोस्ट, समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं ये बताओ। किसी को कोई डाउट कुछ भी हो तो आप बोल सकते हैं बेटा, किसी को कोई भी डाउट हो तो आप बताइए। हर्षित कुछ पूछना है क्या, मैंने माइक ऑन कर दिया है हर्ष, बताइए क्या पूछ रहे थे, माइक ऑन किया है बोलिए। अच्छा एक बार माइक पे बोलो, देखें माइक पे बोलो, तुम्हारा साउंड आ रहा है, देखें। यस सर। हाँ ठीक है, कोई डाउट नहीं है बेटा सर, समझ में आ रही ना चीजें। यस सर क्लियर है। ओके अब सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से कैसे लगाएंगे बताओ, ये तो पहला ट्रिग्नोमेट्री से लगाया, अब इसी क्वेश्चन को अगर सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हमको लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। ट्रायंगल क्या है, पी सी क्यू, एंड ट्रायंगल पी ए ई देख लो। देखो थीटा, ये थीटा बराबर पी सी क्यू, ये एंगल और ए सी बी देख लो, ए सी बी
ए सी भी रेट है, तो ये थीटा और ये थीटा, ये थीटा पी सी क्यू में भी थीटा है और ए सी बी में भी थीटा है, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल पी सी क्यू ये इक्वल टू थीटा, एक एंगल बराबर हो गया। दूसरा एंगल देखो, ये एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो थीटा है और ये क्यू है, ये 90 डिग्री, ये भी बराबर होगा। दो एंगल बराबर होगा मतलब तीसरा एंगल भी बराबर ही होगा, ये भी पता चल, एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल पी के, मतलब ट्राइंगल पी सी क्यू सिमिलर ट्राइंगल है, सिमिलर। अब क्या करना है, ट्रायंगल पीसीक्यू और ट्रायंगल एसीबी आज सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है, पीसीक्यू और एसीबी ये हमारे सिमिलर ट्रायंगल। अब क्या करना है बताओ, अब हम सिमिलर ट्रायंगल है तो ये लिख सकते हैं ना, एसी अपॉन पीसी इक्वल टू एबी अपॉन पीक्यू, इक्वल टू बीसी अपॉन सीक्यू, तो ए बी देखो कितना है 1.6, पी क्यू निकालना है, बी सी बी सी है 4.8 और सी क्यू 4.8 प्लस 3.2 8 हो गया, यहां से पी क्यू कितना हो गया 1.6 इंटू 8 अपॉन 4.8, तो कितना आ गया 8.3 मीटर, देखा 8.3 मीटर, यही हमारा आंसर हो गया। इसको भी नोट कर लीजिए, समझ में आया। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन दे हम, एक में बेटा रुकिएगा, दूसरा क्वेश्चन अपलोड कर रहा है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड, मतलब एक रोड जा रही है, एक पोल रोड के एक साइड में है, दूसरा पोल रोड के दूसरे साइड में है, ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड, जो रोड है वो 80 मीटर चौड़ी है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, रोड के बीच में एक पॉइंट है जिससे दोनों पोल को देखा जाता है, एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, दूसरे पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो आपको क्या बताना है कि किस पॉइंट पे खड़े हो रोड के, ठीक है, कि ऐसा हो 30 डिग्री और 60 डिग्री बने, पोजीशन ऑफ द पॉइंट बताना है और हाइट बताना है पोल्स।
गया। जल्दी बताइए बेटा, जल्दी लगाना, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। हो गया, देखो किसने, प्रियांशु ने फाइल भेजी है, लगा करके देखता हूं। अच्छा हाँ प्रियांशु, सही तो लग रहा है, डायग्राम तो तुम्हारा सही है, ऐसा भी बेटा मैच करा लेते हैं एक बार लगा करके, डायग्राम एकदम परफेक्ट है, सही है, ठीक है। तो चलो ऐसे बनेगा, देखो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, एक रोड है बेटा, ऐसे इनके किनारे किनारे पे एक ये वाला पोल, एक ये वाला पोल खड़ा है, तो एक का एंगल ऐसे कुछ है, ये पॉइंट पता करना है बस, ये ए बी और सी डी हमारे पोल्स हैं और ये पॉइंट ई है, इसी पॉइंट को पता करना है लोकेशन क्या होगी। और रोड पूरी कितनी है 80 मीटर, तो मान लो ये एक्स मीटर यहां से है तो ये तो 80 - x हो जाएगा, ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री और ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री, हाइट पूछ रहा है कितना होगा, ये मान लो h होगा, ठीक है। तो यहां से tan 30 डिग्री कितना आ जाएगा, देखो इक्वल टू h अपॉन x, tan 30 डिग्री की वैल्यू √3, h इक्वल टू क्या हो जाएगा √3x, पहला इक्वेशन h और x में एक रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन निकालना है तो 60 डिग्री से निकालो, tan 60 डिग्री इक्वल टू, ये भी हाइट तो h ही है भाई, ये भी तो h दिया हुआ है, h अपॉन 80 - x, ये हो जाएगा √3 इक्वल टू, h की जगह लिख सकते हैं क्या, √3x अपॉन 80 - x, √3 से √3 कैंसिल आउट, 1 इक्वल टू x अपॉन 80 - x, 80 - x इक्वल टू x, यहां से आ गया 2x इक्वल टू 40, यहां से आ गया x इक्वल टू 40 मीटर, तो ये आएगा लोकेशन B से 40 मीटर पे हो, हैं 40 तो नहीं आना चाहिए क्योंकि 40 40 जब सेम हो जाएगा तो एंगल सेम आना चाहिए, कुछ गड़बड़ हुआ है, देखिए tan √3, ओ ये नहीं, tan 30 डिग्री तो 1/√3 है, वही मैंने कहा कि कुछ गड़बड़ हुआ है, 1/√3, x इक्वल टू h √3 है, वही मैंने कहा बगल में तो हो ही नहीं सकते इतना, चलो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा √3, x इक्वल टू h √3 ना, तो ऊपर h ही रहने दे और 80 - x की जगह h √3 कर दे, 80 √3 इक्वल टू, सॉरी 80 √3 - 3h इक्वल टू h, 4h इक्वल टू 80 √3, एच इक्वल टू हो जाएगा 20√3 मीटर, एच हमारा आ गया 20√3, और यहां से एक्स अगर निकालना है 20√3 हो गया, मतलब 60 मीटर आ गया, एक्स हमारा क्या आ गया, एक्स हमारा 60 मीटर आ गया, और वो कितना आ गया बेटा 20√3 मीटर आ गया, ठीक है, हाइट हमारी 20√3 मीटर आ गया और एक्स हमारा 60 मीटर, मतलब बी पॉइंट से 60 मीटर की ये दूरी पे, ओके सबको क्लियर,
रूट थ्री हट जाएगा, क्यों रूट थ्री क्यों हट जाएगा बेटा? यहां से रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 रूट थ्री और माइनस रूट थ्री रूट थ्री 3h इक्वल टू h, तो 4h इक्वल टू 80 रूट थ्री, तो h इक्वल टू 20 रूट थ्री। ठीक है, तुम्हारा तो सही आ रहा है। ओ चलो क्लियर करें हम। चलो अभी यारा क्वेश्चन लगाओ। ये दो क्वेश्चन है, ऊपर लिखा है देखो 10 2 प्लस रूट थ्री लिखा है, ध्यान रखना, और ये 10 रूट थ्री लिखा है। ये इस दोनों क्वेश्चन को करने के लिए, और ये देख लो ये हमारा 9 रूट टू है, ध्यान रखना, और सारी चीजें दिख रही है। इस दोनों क्वेश्चन करने के लिए 5 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से करिए और बताइए। 5 मिनट तक कोई कुछ बोलेगा नहीं, एकदम करिए और बताइए कि क्या आंसर आ रहा है।
बेटा हमने कहा है कि ये पूरी पूरी हाइट है एबी और ये है बीसी, तो एबी हाइट में क्या हुआ है? बेटा थोड़ा सा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, हो सकता है इसका ना हो गया होता है, ठीक है। तो ये था, तो अब बताइए 20 मीटर ये बचा और कह रहा है ग्राउंड पे जो रूट है ट्री की वहां से वेयर द टॉप, जो इसका टॉप मिलता है वो 10 मीटर डिस्टेंस पे है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है ग्राउंड के साथ, एंगल ऑफ एलिवेशन बताना। हो गया, कितना आया है? 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसे निकलेगा बेटा? अच्छा सॉरी, ये वाला नहीं सही है, यही बताना है, ये अल्फा ही बताना, थीटा ही बताना है, अल्फा नहीं बताना है। बोल दिया ना टॉप, तो ठीक है थीटा ही बताना, तो थीटा तो निकालना काफी इजी है, उसमें तो कुछ है भी नहीं निकालने में, तो यहीं से निकाल लो टेन थीटा। टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा? टेन रूट थ्री अपॉन टेन आ जाएगा, मतलब रूट थ्री आ जाएगा। रूट थ्री कितने एंगल का होता है? 60 डिग्री का होता है, तो थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। समझ में आ गया? ये तो बहुत ही आसान था, इसमें तो कुछ था भी नहीं, ये टेन रूट थ्री पता ही चल गया था, ये 10 मीटर है थीटा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट वाला भी कुछ उसी टाइप का है, ट्री ब्रोक कर गया है और अपर पार्ट उसका 9√2 मीटर है, ये कंप्लीटली सेपरेट नहीं हुआ है और ग्राउंड से मीट करता है कितने पे? 45 डिग्री पे। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन, पूरी हाइट निकालनी है, एसी निकालनी है हमको। मान लिया बीसी हमारा एच है और ये 9√3 9√2 टूटा, तो यहां पर भी 9√2 ही आ जाएगा, तो हम एच निकाल सकते हैं नहीं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के यूज करके। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में साइन का रिलेशन होता है, तो साइन 45 डिग्री हम लगा दें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, नाइन मीटर आ गया। तो पूरे हाइट कितनी हो जाएगी? एसी, एसी हो जाएगा एबी प्लस बीसी। एबी हमारा कितना है?
नाइन रूट टू और बी सी हमारा कितना है नाइन, नाइन कॉमन ले लिया तो रूट टू प्लस वन बीटा। आई थिंक ये तो क्लियर ही हो गया होगा आप लोग का। रुक बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा, अपलोड कर रहा हूं। मेरा थोड़ा सा नेट हम लोग का डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है वाईफाई बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। ये जो लिखा हुआ है ये ध्यान रखिएगा, ये लिखा है 60√3+1। जल्दी करिए। फ्रॉम ए विंडो, एक विंडो है कहां पे 60 मीटर ग्राउंड के एवव हाइट है जिसकी, वहां से दूसरे घर को देखते हैं जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दिखा रहा है कितना मिलता है 60 डिग्री और 45 डिग्री बनाता है। तो आपको प्रूव करना है कि हाउस की हाइट 60√3+1 मीटर है।
हो गया। चलिए तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये ग्राउंड है बेटा और ये घर है और एक दूसरा घर है। इस घर से ऊपर की तरफ देखते हैं, ये खिड़की है घर की, और नीचे की तरफ देखते हैं। तो अब क्या कह रहा है सुनिएगा। हाँ चलिए, एक घर है जिसकी ये विंडो है, ये उसकी विंडो है, ये इसकी हाइट कितनी है ग्राउंड से, 60 मीटर की हाइट का विंडो है, ठीक है। ये कह रहा है कि एक दूसरा घर है जिसके एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों दिया है 60 डिग्री 45 डिग्री, मतलब इसको टॉप पे देखते हैं ये है 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप का 60 डिग्री है और इसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। तो हमको इसकी हाइट बतानी है कितनी होगी। अच्छा ये 60 मीटर है, कौन ये 60 मीटर है, तो इधर भी कितनी होगी, 60 मीटर होगी। ठीक है, ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो अच्छा ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा बताओ, tan 45 भी यूज करके निकाल लें, tan 45 डिग्री हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, 1 इक्वल टू ए बी है 60 अपॉन बी डी, तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा 60 मीटर। ईसी हमारा निकालना है, ये 60 मीटर है, अब देखो ये 60 मीटर है तो ये भी 60 हो गया। अब हमको ये अगर निकालना है ईसी, तो हम पर फिर से tan 60 डिग्री का यहां भी यूज करें, यहां के लिए हम यूज करें tan 60 डिग्री, जो किसके बराबर हो जाएगा ईसी अपॉन एसी, रूट थ्री इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी ए 60, तो ई सी इक्वल टू 60 रूट थ्री मीटर और बी डी आ गया 60 मीटर। अब हमको निकालना क्या है, हमको तो हाइट निकालना है इसकी, ई डी ये निकालना है, हाइट ऑफ हाउस इक्वल टू हो गया ई डी, ई सी प्लस सी डी हो गया, EC कितना है 60 रूट थ्री और CD कितना हो गया 60, रूट थ्री प्लस वन, और यही हमारा क्या है। बोलो आप लोगों को सबको समझ में आया, आप सबसे हम पूछ रहे हैं, सारे लोग रिप्लाई करना बेटा, सारे लोग, दीक्षा प्रियांशु अनुष्का हर्षित अंकित शशांक अभय राजश्री तन्मय सारे बच्चे हो गया। गया सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं, सारे बच्चे रिप्लाई करो। चलो दूसरा वाला करो, दूसरा वाला करिए जल्दी से।
इरेज करा हुआ है इसको। और दूसरा वाला क्वेश्चन जो आ गया है इसको करिए। कह रहा है एक मैन है जो शिप पे खड़ा हुआ है, और शिप क्या है जो है जहां पे खड़ा है वो 16 मीटर वाटर से ऊपर है। मान लो यहाँ वाटर है तो यहां से 16 मीटर ऊपर है खड़ा है, यहाँ पे ये वाटर है। यहां पे एक चट्टान है, क्लिफ, क्लिफ मतलब चट्टान एक तरीके से। कह रहा है इसके टॉप पे देखता है और बॉटम पे देखता है, क्लिफ एक तरीके से ऐसे मान लो बॉटम पे देखता है टॉप पे देखता है। तो कह रहा है कि बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन रिस्पेक्टिवली टॉप और बॉटम 60 डिग्री और 30 डिग्री, एलिवेशन 60 डिग्री है और ये है 30 डिग्री, ठीक है। तो आपको बताना है कि शिप और क्लिफ के बीच की दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस। बहुत आसानी से हो सकता है ये, क्योंकि अभी हमने रफ स्केच कर दिया है, अच्छे से बना देंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आपने डायग्राम बना लिया, समझ लिया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है लैंग्वेज, तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, चलो बनाते हैं। ये कह रहा है कि एक मैन है जो यहाँ पे एक शिप है, वहां से इतने मीटर की दूरी पे है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्लिफ है, ये क्लिफ है और डिप्रेशन है ये ऐसे, ये हमारी है क्लिफ और यहाँ पे है शिप, ये है मैन जो कि 16 मीटर हाइट पे खड़ा है, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन हमारा 60 डिग्री और 30 डिग्री है, 60 डिग्री है ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिप फ्रॉम द शिप, क्लिप की डिस्टेंस शिप से बतानी है ये एक्स, एंड एंड हाइट ऑफ द क्लिफ, और क्लिफ की हाइट बता दीजिए, ईडी बताना है कितना होगा।
अच्छा यहाँ एक्स तो आप आराम से निकाल सकते हो टेन थर्टी डिग्री का यूज करते हैं। अगर हम टेन थर्टी डिग्री का यूज करें तो हमको ये, अच्छा ये 16 है तो ये भी पता है, ये भी 16 मीटर होगा। हमको बस ये एच मिल जाए तो ये सारी चीजें पता चल जाएगी। एच का 16 कर देंगे तो क्लिप की हाइट मिल जाएगी। चलो ये डिस्टेंस देखो, टेन थर्टी डिग्री है, टेन थर्टी डिग्री क्या हो जाएगा 16, मतलब ए बी अपॉन बी डी हो जाएगा। 1/√3 इक्वल टू ए बी हमारा कितना है 16 और बी डी हमारा कितना है x है, तो यहां से x आ गया 16√3 मीटर। ये हो गया 16√3 मीटर। अब आपको h निकालना है तो tan 60 डिग्री का यूज करें। EC अपॉन AC, EC हमारा h है और AC हमारा है x। तो यहां से h आ गया √3x, मतलब √3 और x की वैल्यू है 16√3, तो 48 मीटर आ गया। ये आ गया 48 मीटर। हो गया। तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ क्लिफ 48 और प्लस ये 64। तो आई थिंक ये सबका सही भी हुआ होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं। और बेटा एक मिनट रुके, फ्लाई अपलोड कर रहे हैं फाइल। चलिए इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। अब ये वाला क्वेश्चन है भाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट 100 मीटर एबव द लेक, लेक झील है उससे 100 मीटर एबव एक क्लाउड है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो उसका रिफ्लेक्शन बनेगा उसका 60 डिग्री है। आपको क्लाउड की हाइट बतानी है। अच्छा सुनो, ये क्वेश्चन है, सुनो लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड कह रहा है यहां पे एक क्लाउड है। अब ये लेक है, मान लो पानी है भरा हुआ, इससे एक 100 मीटर की हाइट है। वहां से इसको देखते हैं तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बने, अच्छा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। और कह रहा है जो इसका परछाई है, यहां पे जाकर के इसका परछाई बनेगी ना ये लेक में, ये लेक का सतह है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा इसका, इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कह रहा है 60 डिग्री। तो आपको हाइट बतानी है, क्लाउड की हाइट बतानी है। जल्दी करो, हो जाएगा। समझ आ गया क्वेश्चन।
क्वेश्चन सुन लो भाई। डायग्राम अच्छे से बना लिया जाए तो लो फिर कैसा। ये लेख है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अबव ए लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इज 30 डिग्री। तो देखिए ये 100 मीटर अबव द लेक, यहां से ये, अच्छा ये लेक का क्या है, ये सरफेस है लेक का, इधर पूरा नीचे वाटर है, ये पूरा वाटर है, तो जितना ऊपर ये होगा उतना ही नीचे ये इसकी परछाई बनेगी, बनेगी। मतलब अगर ये हाइट h है बेटा तो ये भी तो हाइट h ही होगी, उतना ही नीचे बनेगी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ कह रहा है कि 100 मीटर अबव द लेक से देखते हैं जिस क्लाउड को, यहां पे क्लाउड है और ये क्लाउड की इमेज है, तो एवक द लेक 30 डिग्री उसका एंगल, अच्छा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट 100 मीटर अबव द लेक इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, और इसके रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 60 डिग्री, ये कह रहा है। ठीक है, ये 100 मीटर है तो बेटा ये भी कितना होगा, ये भी 100 मीटर ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा h माइनस 100 मीटर होगा, होगा होगा, यहां तक बोलो। आप एक बार tan 30 डिग्री लगा सकते हो, ए बी सी डी, यहां पे ई मान लो, tan 30 डिग्री बोले वो, अगर हम tan 30 डिग्री करेंगे तो सी अपॉन ए ही आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, ये tan 30 डिग्री सी ई अपॉन ए ही आ गया, मतलब tan 30 डिग्री क्या हो गया बेटा 1/√3 इक्वल टू सी ई, मतलब एच माइनस 100 अपॉन ए ई, ए ई, ए ई आ गया, तो ए ई कितना हो गया √3 इंटू एच माइनस 100 मीटर। ठीक है, देखते हैं बेटा, अभी आपको आंसर नहीं पता, अभी देखता हूं। अच्छा ये 100 है, ये 100, अच्छा अब 60 डिग्री लगाओ जरा, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ए ई, ए ई आ गया, tan 60 डिग्री लगाओ जरा, 60 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर, ये ई है, ये एफ मान लो, ई एफ अपॉन बेस कितना है ए ई, यहां से आ गया √3 इक्वल टू ई एफ, ई एफ, ई एफ कितना है बेटा, ये इतना एच और इतना 100 अपॉन ए ई, ए ई, ए कितना है √3 एच माइनस 100, तो √3 ये हो जाएगा 3 इंटू एच माइनस 100 इक्वल टू एच प्लस 100, तो 3h माइनस 300 इक्वल टू एच प्लस 100, तो h इधर 2h इक्वल टू कितना आ गया 400, यहां से h कितना आ गया 200 आ गया, h तो बेटा कुछ 200 के आसपास आ रहा है, सही है ये।
देख लो एक बार फिर से मिला लो। तुम लोगों ने कैलकुलेशन चेक कर लो, तो बहुत इजी है ये। तो एच हमारा हाइट क्या आ रहा है 200, तो हाइट ऑफ द क्लाउड कितनी आ गई, यही तो एच माना था, ये कितना आ गया 200 मीटर आ गया, तो आंसर तो 200 आ रहा है। टू हंड्रेड आएगा, आ गया। चलो नोट कर लो, जिसका इसका नहीं हुआ है इसके एक बार नोट कर लीजिए। सब ने नोट कर लिया, किसी को कोई डाउट? नहीं, गुड। चलो चलिए बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? क्लियर करते हैं, बाय। और भी क्वेश्चन लगाएंगे फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, गुड।